अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी, आज के वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको पहले एक चीज़ दिखाता हूँ, आप जो ये चेक करें। ये जी मौलवी सरमद साहब की ट्वीट है, और इन्होंने कहा है कि मौलवी साहब ने बताया हज़रत ईसा फोत नहीं हुए, उठा लिए गए हैं। एक सादा मुक्तदी ने पूछा, क्या हज़रत ईसा भी बलोच थे। अच्छा, ये ट्वीट है मारवी सरमद सभा की। अब आप पूछेंगे कि मारवी सरमद कौन है, तो भाई मारवी सरमद डॉन है। ये मारवी सरमद सभा ख़ुद को ख़वातीन के जो हकूक हैं उनकी एक अलमबरदार बताती हैं। ये एक इंसान नमा चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है ये। और जो इनके कारनामे हैं, जो करतूत हैं इनके, वो भी आप सबको पता है कि उन हकूक की आड़ में ये क्या क्या करती हैं, लेकिन वो एक अलग मौजू है, तो भी हम लोग उसे नहीं छेड़ेंगे। अभी हम सिर्फ उनकी जो ये इन्होंने ट्वीट की है इस पे बात करते हैं। तो इसका जो पस मंज़र है वो ये है कि आपने वो हयात बोच वाला वाक्य सुना होगा कुछ दिन पहले, जो एक मसला बना था FC वालों का। तो सब कुछ हुआ, ठीक हुआ, मतलब FC के खिलाफ जो कार्रवाई फिर बाद में की गई जिसने फायर किए थे। अब जो बंदे आर्मी के ख़िलाफ़ थे, जब उन्हें पता चला कि ये सारा वाक़या आर्मी ने किया है, FC वालों ने किया है, तो वो उन्होंने फिर आवाज़ें उठाई थी, हम बलोचों के हकूक़ के लिए बात करते हैं, बलोच ये बलोचों को इंसाफ दो। और फिर उससे अगले दिन फिर जो BLA वालों ने एक बलोच मारा, तो उस टाइम किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। चले छोड़ें इस बात को भी, हम बात करते हैं इस ट्वीट पे। तो ये मारवी सरमद साहब तो पहले भी इस तरह का कोई मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती ना। और ऊपर से ये कि सरकारी तौर पे इसके खिलाफ के नोटिस भी नहीं लिया गया है कि ये इसने क्या बात की है, क्या बकवास की है इन्होंने। और आपको ये भी पता है कि तमाम अंबिया की इज्जत एहतराम हमारे मज़हब में शामिल है, हम किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते और ना ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब मैं और आप जो लोग हैं, अब हम लोग कानून को तो हाथ में नहीं दे सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि लोगों को इसके मुताबिक बताया जाएगा जो बगैरती इन्होंने की है। अल्फाज में थोड़े गैर मौजूदी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मोहतरमा मारवी सरमद साहबा के लिए ये अल्फाज बिल्कुल मुनासिब है और ठीक है। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करें और मुख्तलिफ लोगों को दिखाएं, ताकि उन्हें पता चले कि इन्होंने जो बदतमीजी की है, इन्होंने जो गुस्ताखी की है, लोगों को उसका पता चले। और आला हुकाम को भी चाहिए कि वो इनकी इन बदतमीजियों को रोकें। आखिर में मारवी सरमद साहबा से मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आंटी, बंदे दी पुत्र बन जा, गल तेरे वास्ते चंगी है। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जे किसी झोटी बहुता ख़राब करे तो फिर उन्हों नत्थ पानी पैंदी है। जब तेनों भी नत्थ पैन वाली हुई है तो गल तेरे वास्ते चंगी है, एक तो बात आ जा। और बाकी आप लोग भी वीडियो को शेयर करें, ताकि सब लोगों को पता चले इनके मुतलिक कि ये क्या क्या कारनामे करती रही हैं मोहतरमा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।